नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। अब क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन्स मिल तो बड़ी आसानी से जाते हैं, पर लेने के बाद अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बैंक्स होते हैं वो इसको एक जरिया बना लेते हैं टू एक्सप्लॉइट देयर कस्टमर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई ऐसा करता है या हर बार ऐसा होता है, बट इट हैज बीन सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो हैं वो बहुत ही गलत तरीके से अपने लोन्स को रिकवर करती है, जो कि तरीके इलीगल है, जो कि तरीके लॉ अलाउ नहीं करता है। अब आज की जो हमारी क्वेरी है उसे पहले देख लेते हैं कि वो क्वेरी क्या है, फिर उसका समाधान भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये क्वेरी है, आई हैव बीन थ्रेटन्ड बाय कलेक्टर सेइंग दैट दे विल कम टू माई हाउस और कॉन्टैक्ट माई फैमिली मेंबर्स फॉर पेमेंट। आई डू मेक पेमेंट्स विद इंटरेस्ट लेट फी एंड ओवर टाइम लिमिट फी। इट इज नेवर इनफ। माई ड्यू डेट इज द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ बट आई गेट पेड ओनली ऑन द 10th। आई हैव हैड पैनिक अटैक्स एंड इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस इशू। आई डू बिलीव इन लीगल सिस्टम, प्लीज असिस्ट। तो जो क्वेरिस्ट है वो ये कहते हैं कि मेरे को तनख्वाह 10 तारीख को मिलती है, बट मेरा जो ड्यू है वो 1st को ड्यू स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से मैं कभी भी टाइम पे रीपे नहीं कर पाता हूं। और इस वजह से जो क्रेडिट कार्ड कंपनी से जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो मुझे कॉल करते हैं, हैरास करते हैं, और वो थ्रेटन भी करते हैं कि वो मेरे फैमिली मेंबर्स को इंसल्ट करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे, अलग अलग लोगों को, दे माइट गेट इन टच विद देम, और जिस वजह से काफी एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ती है किसी को भी। तो इनको इस चीज का डर है और ये कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है, क्रेडिट कार्ड या जो पर्सनल लोन्स होते हैं वो एक ऐसी चीज है कि अगर हम उन्हें स्मार्टली यूज करें तो इट हेल्प्स अस, और अगर हम उन्हें अगर थोड़ी अनवाइज डिसीशंस ले लें तो इट विल बी वेरी डेट्रीमेंटल टू अस, वो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है उससे। क्योंकि एक चीज होती है जिसको कि हम कहते हैं सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर एक ऐसा इंडेक्स है या एक ऐसा मापदंड है जिससे कि जो बोरोअर है, जिसने पैसे लिए हैं, जिसने लोन लिया है, उसकी क्रेडिबिलिटी को असेस करते हैं अलग अलग बैंक्स और जो लोन देते हैं वो वाले इंस्टीट्यूशंस। कोई भी इंसान जब लोन लेता है तो उसका सिबिल स्कोर देखा जाता है। अब सिबिल स्कोर अगर अच्छा होता है तो बैंक्स इंटरेस्ट कम दे करके इजिली लोन्स देते हैं, और अगर सिबिल स्कोर किसी का खराब होता है तो बैंक्स लोन्स को या तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे देंगे या नहीं देंगे लोन। तो अब जो हम क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं, अगर उनका टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं या उसे रीपे नहीं कर पाते हैं या उसको इवेंचुअली सेटल करते हैं तो हमारा सिबिल स्कोर खराब होता है। दैट इज वन। सेकेंडली, हम अगर रीपे नहीं करते हैं तो ये बैंक्स और जो ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज और लोन कंपनीज हैं, ये कई बार हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी उनका फोन नंबर्स निकाल के उन्हें कॉल करते हैं, विच बिकम्स वेरी एम्बेरसिंग। तो सिबिल स्कोर एक ऐसी चीज है दैट इज बियॉन्ड आर कंट्रोल, बट वॉट पीपल आर मेजरली कंसर्न विद, जिससे लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, वो ये होती है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज घर पे आ जाते हैं, घर के नीचे आके बहुत हंगामा करते हैं, शोर करते हैं, एक एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं सोसाइटी में, रिलेटिव्स को कॉल करते हैं, विच क्रिएट्स अ हेल लॉट ऑफ एम्बेरसमेंट जिसने लोन लिया है या जिसने क्रेडिट कार्ड लिया है उसके लिए। सो दिस इज द प्राइमरी जो हरासमेंट से जो डर होता है, दिस इज द प्राइमरी रीजन जिस वजह से कि लोग क्रेडिट कार्ड्स लेकर के पछताते हैं। अब क्या क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऐसा करती हैं? बहुत ज्यादा करती हैं, और इनफैक्ट ये आपके फियर साइकोसिस पे ही खेलते हैं ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज। ये जानते हैं कि कोई भी इंसान, उसके लिए पैसे से भी ज्यादा सबसे अहम जो चीज होती है वो होती है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट को वो थ्रेटन करके क्रेडिट कार्ड कंपनीज और लोन कंपनीज अक्सर आपसे अनफेयर टर्म्स पे पैसे लेते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप मिसयूज करें, पर अगर क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपके साथ, ये ऐसे रिकवरी एजेंट्स आपको हरास करते हैं, तो आपको ये 2-3 चीजें करनी चाहिए जिससे कि वो हरासमेंट रुक जाएगी। बट इसी के साथ मैं दोबारा से आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि इसको आप मिसयूज ना करें, इसको आप अपने सिचुएशन के हिसाब से यूज करें। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो जब हमने कई बार लोन्स या क्रेडिट कार्ड लिए होते हैं तो हमारे लाइफ की सिचुएशन अच्छी होती है, बट विद चेंज इन सर्कमस्टांसेस इन लाइफ, सिचुएशन खराब होने की वजह से हम कई बार
अच्छी इंटेंशन रहने के बावजूद रीपे नहीं कर सकते, तो द स्टेप्स दैट आई एम टेलिंग यू, अगर वो आप लेते हैं, यू शुड इंश्योर कि आप जब आपका फिर से अपवर्ड ट्रेंड होता है, जब पैसे आए, तो आप क्रेडिट कार्ड कंपनीज को अपना जो लोन है उसे रीपे कर दें, ताकि आपका सिविल स्कोर ठीक रहे, ताकि फ्यूचर में आपको अपना काम या किसी दूसरी चीज के लिए लोन्स चाहिए तो बैंक्स आपको रेडिली लोन्स दें। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज टू बी एग्जैक्टली डन अगर आपको हैरेसमेंट होती है। नंबर वन, ये जो मैंने आपको चीज बताई लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, ये जो हमारा लीगल सिस्टम है ये इस चीज को रिकग्नाइज करता है कि किसी की भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, जिस वजह से वो कई बार लोन्स जब लेते हैं तो उसे रीपे नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से बैंक्स के साथ सेटल करने का आपका एक राइट है, लीगली आपके पास एक राइट है कि अगर आपने मान लीजिए बैंक से 100 रुपए का लोन लिया है और अगर कल की डेट में आप उन्हें रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन गेट इन टच विद अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द बैंक, आप उनके साथ इन टच हो, आप उनके साथ अपने लोन की जो बकाया राशि है, जो आउटस्टैंडिंग है, उसको आप उनके साथ नेगोशिएट करके कम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पता लगता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी इंटेंशन नहीं है रीपे करने की, पर अगर आप 100 में से 70, 80, 90, 50 जो भी रीपे कर सकते हैं, जो बैंक को भी एक्सेप्टेबल हो, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो, वो रकम आप देना चाहते हैं, आप अपनी लायबिलिटी से भाग नहीं रहे हैं। सो दिस इज अ राइट विच यू लीगली हैव। ये बैंक्स कई बार ऐसे करते हैं कि जब आप बहुत देर तक अमाउंट रीपे नहीं कर सकते तो वो आपको ऑफर भी करते हैं कि ठीक है आपने 100 रुपए हमें देने हैं, आप 60, 70, 80 जो भी बैंक को ठीक लगता है इन द गिवन सर्कमस्टांसिस, बैंक उस अमाउंट पे आपसे सेटल कर नेगोशिएट करके सेटल कर सकती है उस अमाउंट को। दैट इज वन। ये हुई बात सेटलमेंट की, बट मान लीजिए आप सेटल नहीं करना चाहते, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप उस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है या जो लोन है, आप अपनी प्रोफाइल सिबिल की खराब नहीं करना चाहते, आप उनको कंप्लीट अमाउंट देना चाहते हैं, पर उसके बावजूद जैसे कि हमारे जो क्वेरिस्ट है उनकी सिचुएशन है कि उनकी सैलरी 10th को आती है और पर 1st को उनका जो क्रेडिट कार्ड का साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज टू बी डन इज आप बैंक को एक नोटिस लिखें, बैंक को एक लेटर लिखें कि मेरी जो सैलरी है वो 10th को आती है बट मेरा जो बिलिंग साइकिल है दैट स्टार्ट्स ऑन द 1st, सो काइंडली जो बिलिंग साइकिल है उसे पुश कर दिया जाए टुवर्ड्स द 10th। इफ दैट हैपेंस दैट इज ऑल राइट, अगर नहीं बैंक मानता फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज देखिए ये जो हमारे क्वेरिस्ट हैं वो 10th को अगर रीपे करते हैं तो वो लेट चार्जेस और पेनल्टी चार्जेस भी दे रहे हैं, इट्स नॉट एज इफ बैंक इज डूइंग हिम अ फेवर बाय टेकिंग द अमाउंट लेट। बैंक अगर ये बैंक को लेट पैसे दे रहे हैं तो ये बैंक को पेनल्टी और लेट चार्जेस और अलग अलग चार्जेस जो पेनल्टी के हिसाब से लेते हैं वो दे रहे हैं, सो द बैंक इज नॉट डूइंग अ फेवर टू हिम, बैंक इनफैक्ट वो लेट अगर दे रहे हैं तो बैंक इज अर्निंग मोर देन व्हाट इज ड्यू फ्रॉम हिम। तो ही कैन टॉक टू द बैंक ऑफिशियल्स बाय सेइंग दैट मैं 1st को नहीं दे पाता हूं या 31st को नहीं दे पाता हूं पर 10th को दे पाता हूं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ हैरेसमेंट दैट आई फेस फ्रॉम योर रिकवरी एजेंट्स व्हिच इज इलीगल, क्योंकि रिकवरी के भी गाइडलाइंस है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्धारित किए हुए हैं, जो गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आए हुए हैं, वेर इन इट इज वेरी क्लियर कि जो बैंक के रिकवरी एजेंट्स हैं दे कैनॉट हरास अ पर्सन। देखिए अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाते हैं तो कल की डेट में बैंक कैन टेक लीगल स्टेप्स टू रिकवर इट, देर आर लीगल स्टेप्स दैट द बैंक कैन टेक, बैंक रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है, आपके जो एसेट्स हैं उनको बेच करके अपना लोन रिकवर कर सकती है, सो देर इज नो नीड फॉर रिकवरी एजेंट्स टू बिहेव रूडली विद यू, आपके साथ रूड होने की रिकवरी एजेंट्स को कोई जरूरत नहीं है, बट बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक गेन्स, वो उनका काम है, रिकवरी एजेंट्स को भी टारगेट्स दिए होते हैं, देयरफॉर दे प्ले रफ, एंड चूंकि कोई इस चीज को चैलेंज नहीं करता, डर जाता है, वो जो मैंने आपको फियर साइकोसिस की बात कही, हमें हर किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा प्यारी होती है, देयरफॉर ये जो बैंक के रिकवरी एजेंट्स है वो घर पहुंच जाते हैं और बहुत हंगामा करते हैं, जिस वजह से वो जो भी अमाउंट देते हैं हम थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके उन्हें दे देते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि देर इज अ चांस कि आपके साथ ऐसे हरासमेंट होने वाली है, राइट अ लेटर टू द हेड ऑफ द लोन डिपार्टमेंट और द क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक, आप उनको लेटर लिखें, हर बैंक की वेबसाइट पे उनका ईमेल आईडी दिया होता है, आप उनको लेटर लिखें कि दिस इज द अमाउंट ऑफ हरासमेंट दैट आई एम फेसिंग, दिस इज इलीगल, मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, ये चीजें जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अगेंस्ट हैं,
अगर आप अपने रिकवरी एजेंट्स को नहीं रोकते हैं या फिर अगर आप उन्हें चेंज नहीं करते हैं तो देन आई विल बी कंपेल्ड टू अप्रोच लीगल अथॉरिटीज, जिसमें कि आप ये भी मेंशन कर सकते हैं जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है, आप उनके पास भी जा सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो टेल देम दैट यू कैन ऑल्सो कॉल अपॉन देम, या उनको आप एक नोटिस पे भी डाल सकते हैं कि यू विल बी कंपेल्ड टू इनिशिएट लीगल एक्शन एज पर लॉ। और अगर आपको लगता है आप ये ऐसा लीगल नोटिस नहीं भेज सकते बैंक को, यू कैन गेट इन टच विद द लॉयर हु विल हेल्प यू इन ड्राफ्टिंग अ लीगल नोटिस टू बी सेंट टू द बैंक। अगर आप बैंक के किसी भी ऑफिशियल से या किसी भी रिकवरी एजेंट से आप ऐसी हरासमेंट फेस कर रहे हैं, अगर इस लीगल नोटिस के हफ्ते दो हफ्ते के भेजने बाद ये हरासमेंट रुक जाती है, वेल एंड गुड। अगर नहीं रुकती है तो यू कैन ऑफकोर्स अप्रोच कोर्ट्स एंड यू कैन अप्रोच देम एंड यू कैन टेल देम, आप वहां पे केस लगा करके कि ये जो है दिस इज दिस हरासमेंट विच आई एम फेसिंग एज अ कस्टमर, क्योंकि बैंक के आप कस्टमर हैं, बैंक इज अर्निंग मनी फ्रॉम यू, आपको 100 रुपए देकर के वो आपसे 120 130 रुपए कमा रहे हैं या कई बार ज्यादा। सो यू कैन टेल द कंज्यूमर फोरम कि मेरे को या जो भी कोर्ट में आप जाएंगे आप उनको कह सकते हैं कि इनके जो काम करने का तरीका है इट्स हरासिव, हरास कर रहे हैं मेरे को एंड देयरफॉर आई शुड बी पेड कॉम्पेंसेशन, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकेंडली, अगर आपके घर पे रिकवरी एजेंट्स आ जाते हैं तो यू कैन कॉल द पुलिस, आप पुलिस को कॉल करके आप उनको ये बोल सकते हैं कि ये यहां पर आकर के न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, यहां आकर के मेरी जो इंसल्ट कर रहे हैं, एक सोसाइटी में हमें तंग कर रहे हैं और एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर रहे हैं विच अमाउंट्स टू न्यूसेंस। आप ऐसी कंप्लेंट पुलिस को कर सकते हैं एंड इस ये कंप्लेंट होते ही अक्सर रिकवरी एजेंट्स वहां से चले जाते हैं। बट विद अ डिस्क्लेमर अगेन, ये आप इस चीज को मिसयूज नहीं करना है, इस चीज को आपने, क्योंकि अगर आप इसको मिसयूज करेंगे तो इसमें नुकसान आपका है, बैंक आपके लिए वेट करेगा। अगर आप नोटिस वगैरह देते हैं बैंक को, आप लेटर लिखते हैं तो बैंक विल वेट फॉर यू टू रीपे द अमाउंट, बट इट विल नॉट वेट इनडेफिनेटली। अगर आप नहीं रीपे करते हैं देन इवेंचुअली बैंक विल अप्रोच द कोर्ट, आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी एंड बैंक विल ईदर रिकवर इट फ्रॉम यू थ्रू बाय सेलिंग योर प्रॉपर्टीज, या आपके जो भी एसेट्स होंगे उन्हें सेल करके बैंक वो अमाउंट रिकवर करेगी, या फिर इफ यू डोंट हैव एनी एसेट्स टू रीपे यू विल बी इम्प्रिजन्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू रीपे द बैंक्स लोन या जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। सो दीज स्टेप्स विल हेल्प यू फॉर द टाइमिंग, ये आपको फॉर द टाइमिंग हेल्प करेंगे, बट यू कांट गो, यू कांट सिट फॉर एवर थिंकिंग दैट यू विल नॉट बी रीपेइंग द बैंक्स आउटस्टैंडिंग। सो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं कि पुलिस के पास या अथॉरिटीज के पास आप अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें नोटिस भेजें सेइंग दैट ये हरासमेंट रुकनी चाहिए, और या फिर जो रिकवरी एजेंट है उनका नाम उस नोटिस में लिखें कि सो एंड सो पर्सन कॉल्ड मी एट सो एंड सो टाइम, उन्होंने मेरे रिलेटिव्स को या मेरे फादर को या मदर को या चाचा को या ताया को कॉल किया, विच इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। ऐसे करके आप उन्हें लिखें तो दिस या तो रिकवरी एजेंट को चेंज कर देते हैं या फिर वो इस चीज को स्टॉप कर देते हैं, एंड फिर नेक्स्ट मंथ जब आपका लेट होता है तो देन सम अदर पर्सन कॉल्स अप एंड देन द प्रोसेस इज नॉट फुल ऑफ हरासमेंट, उसमें द पर्सन विल टॉक टू यू नाइसली एंड देन दे विल आस्क यू टू इधर सेटल इट और रीपे इट और वट एवर। सो हरासमेंट से बचने के लिए ये दो तीन चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको कहा इस चीज को आप अपने आपको जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स में जो डाउन्स आए हैं उससे फिर से वापस से रिकवर करने के लिए यूज करें, बिकॉज लॉज इवेंचुअली आर मेड फॉर अस। अगर हम इन्हें यूज करेंगे तो इट्स गुड फॉर अस, क्योंकि लॉ इज समथिंग जो कि आपके लिए बेनिफिशियल तो है, बट अगर आप उसे मिसयूज करते हैं तो दैट विल कम बैक टू स्ट्राइक यू लाइक एनीथिंग, और फिर उसको आप यू विल रिग्रेट इट। सो देयरफॉर डोंट मिसयूज एनी लॉ। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स, ये इसलिए बना है ताकि इफ यू हैव फॉलन ऑन बैड डेज आपको आपके साथ कोई हरासमेंट ना हो। सो आई थिंक वीव डिस्कस्ड, वीव एम्पली कवर्ड द टॉपिक। अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और दिस इज वन स्पेस जहां पर वी टॉक अबाउट सच लीगल इश्यूज विच कंसर्न एवरीडे लाइफ। अगर आपको ये ठीक लगता है, इफ यू थिंक दैट समवन कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस डिस्कशन, आप इसे लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, एंड अगर आप हमारे ऐसे ही जो लीगल डिस्कशन है उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज वन स्पेस
जो हमने बनाई है, ताकि एक लीगली अवेयर कम्युनिटी बन पाए, वेयर वी आर अवेयर ऑफ व्हाट द लॉ इज एंड यू नो हाउ वी कैन बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अनजाने में लॉ तोड़ देते हैं, हमें पता नहीं होता, एंड देन वी फाइंड आवरसेल्व्स ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ. सो दिस इज वन स्पेस जहां पर वी स्ट्राइव टू, या फिर हमारा जो मिशन है, इट इज टू क्रिएट अ लीगली अवेयर कम्युनिटी. सो अगर आपको लगता है कि आप हमारे ऐसे लीगल डिस्कशंस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर कि हम ऐसे लीगल टॉपिक्स को डिस्कस कर, मतलब जो लीगल अपडेट्स हैं उनको उस पर पोस्ट करते रहते हैं. सो यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी ऐसे लीगल जो अपडेट्स होते हैं उन्हें अपडेट करते रहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन अस देयर एज वेल. सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन. आई होप यू फाउंड दिस डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय.